हाय फ्रेंड, और एक मुजरा सुनाने जा रहा हूँ आप लोग को। अच्छा, ये फिल्म है दूर की आवाज़, और ये नगमा गाए हैं आशा भोसले देवी जी, सायरा बानो देवी जी को गले में लीप दिए थे। तो जो हो, नगमा सुनिए। बात यही है, सायरा बानो देवी जी एक समय ट्रेन दुर्घटना हुए थे। दुर्घटना होने के बाद उनको याद खो बैठे हैं, तो उसको बाद वहाँ से उठा के लेके आए थे जय मुखर्जी साहब, उनको माता जी। तो लड़की बेसहारा लड़की कहाँ जाए नहीं रहे, तो उनको शादी ब्याह कर लिए। कौन? जय मुखर्जी साहब। तो उसको बाद कोई कारण से उसको फिर दोबारा माने ऐसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर पहले जो सब कुछ खो गए भूल गए थे, फिर याद आ गया। तो इसलिए अपना पति को नहीं पहचानते हैं, अपना बच्चे को भी नहीं पहचानते हैं, तो किसी को चक्कर में पड़ के ये कोठी में आ गया। तो कोठी में आकर ये नाच गाना करते हैं, और वहाँ जय मुखर्जी का साथ एक दोस्त थे, वो दोस्त कोठी में जाते थे, तो जय मुखर्जी को यहाँ ले आए। बोला नया एक गाने का एक भाई आए हैं, चल उसको गाना बहुत मशहूर गाना है, तो उसको ले आए हैं। तो ही देखकर उनको चक्कर आ गया इसको जय मुखर्जी साहब को। तो यह है कहानी, तो आप देखिए नगमा। अच्छा, फिल्म का नाम बोले है दूर की आवाज़, और इस फिल्म में संगीत सजाए थे रवि साहब ने, संगीत सजाया है, और नगमाकार थे शकील बतौर साहब ने। तो सुनिए बहुत मशहूर गाना, क्योंकि हमने बोले हैं ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहा है, जितना माने नारगी जी से लेकर सभी एक दो ठो माने कोठी का गाना गाए हैं, माने हीरोइन ने फिल्म का। तो जो हो, तो देखिए सायरा बानो देवी जी कैसे नगमा गा रहा है कोठी में, सुनिए।
Yeah.